दोस्तों पोजिंग की प्रैक्टिस खास तौर से बड़े इवेंट से पहले बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे शेरू क्लासिक की मैं बात करूं तो 12 दिन बाद शेरू क्लासिक है और मेरे भी सभी एथलीट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, आप लोग भी रेडी होंगे। इन दिनों में, लास्ट के दिनों में, पोजिंग दिन में 3-4 बार सेशन आपको जरूर करना है, 15 से 20 मिनट। जितना पोजिंग पे आपकी पकड़ रहेगी स्टेज पे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। अगर आप स्टेज पे जाके कन्फ्यूज है मुझे पोज को कहाँ फिनिश करना है, तो जज आपको एक मिनट में भाप जाएगा कि ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। स्टेज पे आपको ना तो मिरर मिलेगा, ना कोई बताने वाला मिलेगा कहाँ आपने रुकना है, कैसे पोज को होल्ड करना है। ये आप वहाँ पे खुद ही आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, जहां पे पोज आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन देता है ना, वहीं पे आपका पोज फिनिश हो, तो वो आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से। अभी 12 दिन बचे हैं और डेली आप 3 से 4 सेशन करेंगे, यानी 40-45 ट्रेनिंग पोजिंग की आप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर इसको फॉलो करेंगे तो आप देखना स्टेज पे आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। आप चाहे मेंस फिजिक करें, बॉडी बिल्डिंग करें या क्लासिक फिजिक करें, पोजिंग मस्ट। आपकी ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन दोनों में पोजिंग, तो रेगुलर अपनी पोजिंग पे काम करें। आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके आप रेडी भी हो गए, स्टेज में प्रेजेंट नहीं कर पाए अपने आप को, तो वो सारा किया अगर आपका खराब हो जाता है और फिर आपको लगता है जजिंग में कोई पार्शियलिटी हुई है। मैक्सिमम टाइम आपके प्रेजेंटेशन में कमी रहती है। तो आप जिम में कितना अच्छा दिखते थे जज को नहीं पता, आप स्टेज पे क्या दिखते जज तो उसके बेस पे नंबर देगा आपको, या आप ग्रीन रूम में कैसे दिख रहे हैं उसके बेस पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आप स्टेज पे और कंपिटिटर के साथ कैसे दिख रहे हैं उस पे नंबर मिलने हैं आपको, वहां आपने अपना बेस्ट दिखाना है। थैंक यू।